खबर दें आपको, एफिड्रिन केस, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा हो गए हैं। आपको अपडेट करें, एफिड्रिन केस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कैंप जेल से इस वक्त रिहा हो चुके हैं। कैंप जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, मर्द और ख्वातीन शामिल हैं और सिक्योरिटी के हिसार में इस वक्त हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चले, एफिड्रिन केस है जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी को रिहा कर दिया गया था और आज कैंप जेल से भी उन्हें रिहा कर दिया गया है और ऐसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त कैंप जेल के बाहर मौजूद है और हनीफ अब्बासी का इंतज़ार कर रही थी और हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया है। एफिड्रिन केस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से उनके कारकुनान बड़ी तादाद में उनकी गाड़ी के पास मौजूद हैं और कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, झंडे भी लहराए जा रहे हैं उनकी जानिब से और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जा रही हैं। एफिड्रिन केस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कैंप जेल से इस वक्त रिहा हो चुके हैं और इस वक्त वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। कारकुनों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है और उनकी गाड़ी का घेराव किए हुए है और ऐसे में फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं कारकुनान की जानिब से और हाथों में झंडे लिए हुए हैं कारकुनान, इजहार यकजहती का इजहार किया जा रहा है। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी इस वक्त कैंप जेल से रवाना हो चुके हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद है, कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और फूलों की पत्तियां निछावर करके हनीफ अब्बासी का इस्तकबाल किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी इस वक्त कैंप जेल से रवाना हो रहे हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद उनकी गाड़ी का घेराव किए हुए है और गाड़ी निकालते हुए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हनीफ अब्बासी को, लेकिन कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल भी किया जा रहा है उनकी जानिब से और हाथों में प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं और झंडे भी उठाए हुए हैं और कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, इजहार यकजहती का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से और फूलों की पत्तियां जो हैं वो भी निछावर की जा रही हैं हनीफ अब्बासी पर। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा, हनीफ अब्बासी इस वक्त कैंप जेल से रिहा हो चुके हैं, क्या आप मंजर देख रहे हैं वहां पे? जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी लाहौर के कैंप जेल से उनको रिहा कर दिया गया है। हनीफ अब्बासी को एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जो कि 11 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो उसकी सजा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहाई की थी। आज जो है वो 50 लाख के मसले के जमा हुए हाईकोर्ट में, उसके बाद यहाँ पर रिहाई का परवाना पहुंचा और अब कुछ ही लंबे पहले हनीफ अब्बासी जो है वो जेल से रिहा हुए हैं और इस दौरान जब उनकी रिहाई के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर कदीर तादाद में मौजूद थे, उन्होंने जो है वो गुलपाशी भी की उनकी रिहाई के मौके पर जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे और नूली के हक में और उनके हक में उनसे इजारे जैसी करते हुए जो है उन्होंने नारेबाजी भी की। हनीफ अब्बासी रिहाई के बाद पहले दाता दरबार जाएंगे और हनीफ अब्बासी ने कैंप जेल से पहले अडियाला जेल, कोटलकपुर जेल और कैंप जेल, इन तीनों जेलों में सजा काटी है। टोटल 8 महीने और 22 रोज जो है वो जेल काटने के बाद उनको जमानत पर रिहाई मिली है आज। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा, रिहाई से मुतालिक जो तमाम दस्तावेजी काम था वो मुकम्मल कर लिया गया? जी, जितना भी प्रोसेस था रिहाई के हवाले से, जमानती मुचलके जमा हुए, उसके बाद वहां से रूट कार्ड जारी हुआ, रूट कार्ड लेकर उनके जो है वो बेटे यहां पर पहुंचे और उन्होंने फिर रूट कार्ड कैंप जेल में जमा करवाया और उसके फिर कुछ ही मिनट के बाद जो है प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। जी ठीक है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा हो चुके हैं, तमाम तर दस्तावेजी काम भी मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रवाना हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।